बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र की सबसे दिलचस्प तस्वीर लाइव सिटीज आपको दिखा चुका है, जिसमें तेज प्रताप यादव और संजय मयूख की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। आज पुनः ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप तेज प्रताप यादव, संजय मयूख और राबड़ी देवी को भी देख सकते हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से तेज प्रताप और संजय मयूख की आज पुनः मुलाकात हुई, और इस बीच राबड़ी देवी सदन से बाहर आ रही थी। संजय मयूख ने राबड़ी देवी का इंतज़ार किया और जब राबड़ी देवी आई तो संजय मयूख की राबड़ी देवी से भी मुलाकात हुई है। तेज प्रताप और संजय मयूख की इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है और जो चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ था, उसके बाद आज हमने संजय मयूख से बात करनी चाहिए और संजय मयूख ने बात करते हुए हमसे क्या कुछ कहा है तेज प्रताप और उनकी इस मुलाकात पर, आप सुने। देखिए, माननीय विधायक तेज प्रताप जी भक्ति भाव में तल्लीन रहते हैं, तो मैंने उन्हें उनके भक्ति भाव के ओत प्रोत होने के लिए कहा कि भाई अच्छे चीज़ हैं, अच्छा चीज़ है, आप यदि भक्ति भाव में तल्लीन रहते हैं और इस श्रावण मास में इस तरह से तन्मयता से भगवान शंकर का की पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भगवान बिहार के विकास के लिए सोचने के लिए प्रेरणा देगा और आपको प्रेरित करेगा। कोई राजनीतिक बात भी आपकी उनसे? मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरा इतना ही भर मानना था कि जिस तरह से हम लोग पूजा पाठ में तल्लीन रहते हैं, यदि तेज प्रताप जी भी तल्लीन रह रहे हैं तो उनको मेरी शुभकामना है। नहीं, नहीं, जैसे उनकी पार्टी में अनदेखी हो रही है तो क्या आप उनसे? देखिए, उनकी पार्टी से न मेरा लेना देना है, न उनके राजनीतिक भविष्य से लेना देना है, मैं उनके व्यक्तिगत सवालों पर बात कर रहा था कि आपने यदि इस तरह से भक्ति भाव के साथ पूजा किया है तो निश्चित तौर पे आपको भगवान प्रेरित करेगा कि आप बिहार का विकास करें। आज तो राबड़ी देवी से भी आपका आमना सामना हुआ, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। भाई, सदन में तो आमना सामना होता है, तो सदन में मिलने में कहीं आपत्ति नहीं है। तो ये थे संजय मयूख, इन्होंने ये बात कही है कि तेज प्रताप से जो इनकी मुलाकात हुई है इसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति को लेकर बात हुई है। दरअसल जब भी तेज प्रताप से इनकी मुलाकात हुई है तो जिस तरह से तेज प्रताप भक्ति में लीन रहते हैं, सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा की सेवा करते हैं, उसको लेकर संजय मयूख ने तेज प्रताप को बधाई दी है और ये भी कहा है कि भोले बाबा सावन मास में अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो भोले बाबा आपको बिहार के विकास को कैसे आगे लेकर जाया जाए ये आपको आशीर्वाद देंगे। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या कुछ राजनीतिक बात भी हुई है, तो उन्होंने राजनीतिक बात कहा कि राजनीतिक बातें नहीं हुई हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ खिचड़ी पक रही है या नहीं पक रही है। लेकिन संजय मयूख से जब हमने बात की है तो उन्होंने इस मुलाकात को सिर्फ और सिर्फ भक्ति से जोड़ा है, और जब हमने उनसे पूछा कि राबड़ी देवी से भी आज आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आमना सामना तो होता ही रहता है। फिलहाल संजय मयूख भले ही इस बात को मानने से इनकार करें कि राजनीतिक बातें नहीं हुई, लेकिन खबरों में चर्चाएँ बनी रहती हैं और इस तरह की बातें जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन उनकी जो असलियत है वो सामने आ जाती है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लाइव सिटीज़ .in पर ज़रूर जाएं। धन्यवाद।